नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। फिलहाल हम लोग हैं अभय सिंह चौटाला, इंडियन नेशनल लोकदल के राष्ट्रीय नेता। आज हम बात करेंगे, जैसे आम आदमी पार्टी के दोनों पंजाब और दिल्ली के मुख्यमंत्री हिसार में हैं और कल आदमपुर में एक तरह से उनका वहाँ पर रैली होनी है, तिरंगा यात्रा है, उस पर भी बात करेंगे और इंडियन नेशनल लोकदल के आज के दौरों को लेकर भी हम बात करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर पहले तो आपसे जानेंगे कि आज का दौरा कहाँ का था, हिसार में कहाँ कहाँ आपका क्या क्या कार्यक्रम थे? नलवे हल्के के 9 जोन हैं हमारे बनाए हुए, 9 के 9 जोन की मीटिंग रखी हुई थी। एक लास्ट मीटिंग अब आपके आज़ाद नगर की बची है, वो इसके बाद करेंगे जी। जैसे पब्लिक से मिल रहे हो सर, कैसा वो मिल रहा है? जैसे लंबे समय के बाद मेरे ख्याल से आना होता है आप, बीच बीच में आपका पूरा हरियाणा का दौरा करना, इसी बीच अगर नलवा हल्के की बात करें तो किस तरह का पब्लिक का रुझान है? मैं तो महीने में 31 दिन, लोग तो 30 दिन महीने में काम करते होंगे, मैं 31 दिन लोगों में रहता हूँ। और जहाँ तक नलवे का सवाल है, पुराना चौधरी देवीलाल का समर्थक हल्का राय, एक बार बीच में छोटी सी चूक हुई है, अब लोग नए सिरे से इस बात का लेकर के एहसास कर रहे हैं कि हमने गलती करी, अब फिर से लोग हमारी पार्टी के साथ बड़ी संख्या में जुड़ रहे हैं। जो पुराने साथी है वो तो आ ही रहे हैं, अलग अलग पार्टियों से भी और बहुत सारे लोग जो हैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। आज भी हर गांव में बहुत सारे साथियों ने पार्टी ज्वाइन करी, बहुत सारे नए चेहरे आज प्रोग्राम में शामिल हुए। हम आपको इनवाइट करते हैं, आप 25 सितंबर को फतेहाबाद आओ। फतेहाबाद आओगे तो आप स्वयं अपने चैनल से लोगों को ये बताओगे कि अब इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी 2024 में 100% सत्ता में आएगी, इसे कोई नहीं रोक सकता। लोगों ने मन बना लिया, फैसला कर लिया कि हम भाजपा जजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस को सत्ता के नज़दीक नहीं आने देंगे। तो जैसे अरविंद केजरीवाल की बात करें कि वो हिसार में आज पंजाब और दिल्ली के दोनों मुख्यमंत्री यहाँ हैं और कह रहे हैं कि इंडिया नंबर वन की घोषणा आदमपुर से कल होने वाली है। पहले तो मेक इन इंडिया की बात कही जाती थी, जो मेक इन इंडिया की बात करते थे वो तो समुचित तौर पे ही पॉलिटिकली ख़त्म हो गए। नए भारत के निर्माण की बात भी हुई इस देश में, उनका तो मेरे ख्याल इस तरह की हालत के आने वाले समय में कोई नाम लेवा नहीं बचेगा। अब ये नया नारा लेकर के केजरीवाल आए हैं, ये भी मेक इन इंडिया की बात करता है। तो क्या लगता है सर, आप मुझे एक चीज़ बताओ, मेक इन इंडिया की शुरुआत वो कहता है कि यहाँ से करेंगे जी। तो दिल्ली राजधानी थी ना, यहाँ क्या लेने आया? फिर तो दिल्ली से करनी चाहिए थी। दिल्ली में तो मेक इन इंडिया कहने वालों के मिनिस्टर जेलों में बैठे हैं और कई लाइन में लगे हुए जेल में जाने के लिए। मुझे लगता है ये जो शराब वाला मामला है, इसमें केजरीवाल साहब का भी नंबर लग सकता है। जो अपने आप को ज़्यादा ईमानदार कहते हैं वो ज़्यादा बड़े चोर होते हैं, और केजरीवाल साहब लगातार इस बात का ढिंढोरा पीट रहे हैं कि हमारी तो ईमानदार सरकार है। भाई ईमानदार सरकार है तो ये लोगों को बताने की ज़रूरत थोड़ी है, लोग मोर लगाते हैं इस बात के ऊपर कि कौन ईमानदार है और कौन बेईमान है। अपने मुंह से कोई कहे कि मैं ईमानदार हूँ तो समझ लो कहीं ना कहीं बेईमान है, फिर ईमानदार नहीं है। ईमानदार तो होता तो आज SYL के ऊपर अपनी पार्टी का फैसला दे करके जाता। जब आप लोग SYL पे सवाल कर रहे थे, पूछ रहे थे, मैंने वो सारा देखा था, तब वो BJP कांग्रेस को तो कह रहे थे कि उनका स्टैंड अलग अलग है। ये बात तो हमने बहुत पहले कही थी कि दोनों नेशनल पार्टियां जो है इनका स्टैंड जो है अलग अलग स्टेटों में अलग अलग तरह का रहता है। लेकिन अब तो केजरीवाल की सरकार है पंजाब में, हरियाणा में जगह तलाशता घूम रहा है, तो फिर पहले हरियाणा का हिस्से का पानी, ये कोई हम नहीं मांग रहे, ट्रीटी के तहत मिला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगी, फैसला आ गया। क्या केजरीवाल साहब सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है?
क्या भगवंत मान सुप्रीम कोर्ट से ऊपर है? ये तो हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री कमजोर है, अदरवाइज ये फैसला 2016 में लागू होना चाहिए था। फैसला 2016 में हमारे हक में सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया, और अगर थोड़ा सा भी मजबूत चीफ मिनिस्टर होता या उनकी जगह हमारी पार्टी सत्ता में होती तो फैसला हम हर हालत में 4 महीने में लागू करवा देते जो समय सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। ना कोई फैसला मानता तो फिर पंजाब के लोगों का आवागमन बंद कर देते। दिल्ली के चारों तरफ हरियाणा है, हरियाणा के लोग अगर दिल्ली की सड़कों को बंद कर देंगे, दिल्ली में किसी भी रास्ते से दिल्ली में लोगों को जाने नहीं देंगे, तो दिल्ली की सरकार क्या करेगी? पानी हमारे पास है जो दिल्ली को जाता है, मुणक पे जाके लोग बैठ जाएं और पानी नहीं जाने दें तो क्या लोगों को मार देगा? वो अपना स्टैंड क्लियर करे। वो तो ज़मीन तलाश रहा है, झूठ बोल रहा है। झूठ बोलने से कोई थोड़ा ही किसी को कोई राजनीतिक ताकत मिल जाएगी। तो झूठ बोलने के लिए हिसार की ज़मीन को चुना है उन्होंने? तो पैदा ही यहाँ हुआ है ना, इसलिए जगह चुनी है। मैं जहाँ पैदा हुआ हूँ, जहाँ से झूठ सीख करके वहीं बोलने शुरू करूँ। तो आदमपुर के उपचुनाव के लिए भी फोकस कर रहे हैं, आदमपुर के उपचुनाव के कहते हैं कि आम आदमी पार्टी यहाँ से परचम लहराएगी और पूरे हरियाणा में आने वाले समय में सरकार बनाएगी। ये तो नगर पालिका नगर परिषद के चुनाव में भी कह रहे थे, हम तो इसी चुनाव में फैसला कर देंगे। लोगों ने कर दिया कि नहीं कर दिया फैसला इस चुनाव में? आदमपुर में भी लोग फैसला कर देंगे। आप मान करके चलो, झूठ बोलने वाला व्यक्ति ज़्यादा लंबे समय तक राजनीति में नहीं चल सकता। हर हालत में वो हाशिए पे आके खड़े होते हैं। हरियाणा का मतदाता बहुत शाना है, वो इनकी बातों में बहकावे में नहीं आने वाला। जैसे उपचुनाव में इनेलो भी है, इनेलो भी चुनाव लड़े, क्या आपको क्या लगता है वहाँ के उपचुनाव में किस तरह के नतीजे आने वाले होंगे? क्या इनेलो का किसी के साथ गठबंधन होगा या एक तरह से इंडिपेंडेंट चुनाव आप लोग लड़ेंगे? किस तरह का आप लोगों का आगे का वो है गठबंधन में? आप बताओ करें किसके साथ, कौन सी पार्टी है जिसके साथ हम गठबंधन करें? नाम तो बताओ एक आधी पार्टी का। है केजरीवाल आए हैं सर, क्या पता केजरीवाल ही आपको कहते हैं मेरे साथ गठबंधन कर लो। मैं कहता हूँ जो व्यक्ति हमारे हक के पानी पे डाका डाल के बैठा हुआ है, हम उससे कैसे गठबंधन कर लेंगे? हमने SYL के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है, और मैं आज भी आपको कहता हूँ ये जो 4 महीने का सुप्रीम कोर्ट ने समय दिया है, 19 जनवरी की डेट दी है, ये केंद्र की सरकार केवल दिखावे के तौर के ऊपर अखबारों में बयानबाजी करेगी, लेकिन इसके ऊपर कोई कड़ा स्टैंड नहीं लेगी। ये तो 2024 में लोग इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनाएंगे और हम ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू कराएंगे और पानी लेके आएंगे। जैसे चौधरी कुलदीप मिश्र की बात करें, सभी नेता है कहते हैं कि दबाव में गए हैं, उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने दबाव बनाए, आप बेबाक बोलते हैं, आपको क्या लगता है किस मजबूरी के चलते गए हैं या उनका खुद का निजी स्वार्थ था? अब तो आप भी कहते हो ना दबाव में गए हैं। नाम तो नेता जो कह रहे हैं वही कह रहे हैं। नहीं नहीं आप भी कहीं ना कहीं आपको जानकारी होगी तभी कह रहे होंगे, बिना जानकारी के तो नहीं कह रहे ये बात। मेरा कुलदीप के साथ ठीक रिश्ता है, क्यों बिगाड़ो उसको? मैं दुआ सलाम नहीं ख़त्म करना चाहता, राजनीतिक तौर पे मैं उसके खिलाफ़ हूँ, और ये मान के चलो कि जो आदमी स्वार्थ की राजनीति करता है मैं उसके तो बेहद खिलाफ। तो वहीं पे कुलदीप मिश्र के किला ढहाने की बात भी होती है, क्या लगता है इस बार इतने वर्षों से जो राजनीति वहाँ से करते आए और वहाँ से जो उनका किला बना हुआ है उसको तोड़ने का काम कोई पार्टी कर पाएगी या नहीं टूटेगा किला इस बार? आप चुनाव की तारीख तय कराओ, लोग जो है मन बनाए बैठे, लोग इंतज़ार कर रहे हैं भी कब चुनाव आएगा और हम अपना मैंडेट किसको देंगे। ये फैसला तो पब्लिक ने करना है, ये मैंने और आपने नहीं करना। मैं और आप तो केवल लोगों को गुमराह कर सकते हैं, आपके पास इस माध्यम है लोगों तक पहुंचाने का, गुमराह करने का। हम भी अपने स्वार्थ के लिए क्या पता क्या क्या बातें बोलते हैं, लेकिन लोग फैसला करेंगे। लोग 100% किसको जिताएं किसको नहीं जिताएं मुझे पता नहीं, लेकिन BJP के उम्मीदवार को नहीं जिताएंगे। जिला परिषद के चुनाव जैसे होंगे आने वाले समय में, क्या उसमें इंडियनेशनल लोग चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ेगी या क्या रहने वाला है उसमें? हम अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे, हमारी पार्टी का फैसला है। हमने कांग्रेस को भी, BJP को भी, JJP को भी, आप बड़ों को, इनको सबको कहा है कि आप सबको इस बात का एहसास हो जाएगा कि प्रदेश की जनता किसके साथ है।
तुम भी सिंबल पे लड़ो, सिंबल पे लड़ोगे लोग अपने आप ही 2 साल पहले मैंडेट दे देंगे कि भी हम किसकी सरकार अगली बनाएंगे, लेकिन उनकी हिम्मत रुकात नहीं है कि वो चुनाव लड़े सिंबल में भागेंगे। जैसे चौधरी देवीलाल जी की आप लोग जो उत्सव बनाएंगे उसमें सुनने में आया कि JGP दोबारा पुराने घर वापस करने वाले, ऐसी कोई है? मैंने इस बारे में बहुत खुल करके एक बात कह भी दी, शायद आपने देख भी ली होगी, फिर कह देता हूँ। JGP के लिए केवल एक ही तरीका है, पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफ़ी मांगे जा करके, जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा घोंपा, जो बेईमान हुए उनसे, वो पहले जा करके माफ़ी मांगे, फिर सार्वजनिक रूप से प्रदेश के लोगों से इस बात के लिए माफ़ी मांगे कि हमने आप लोगों के साथ भी बहुत बड़ा धोखा किया है, हम इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, फिर हम तय करेंगे, फिर हम विचार करेंगे कि इनको लिया जाए कि नहीं लिया जाए। संभावनाएं हैं, मैं कहूँ भी उस पर भी विचार करेंगे, आप संभावना ढूंढ रहे हो यहाँ।